मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, बड़े बुजुर्गों की कहावत और वाकई सच भी है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं। जो मेहनत करने वाला व्यक्ति आखिर एक दिन अपनी मंजिल को पा ही लेता है। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से, मैं रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। ट्वेल्थ का रिजल्ट आते ही हमारे युवा युवतियों ने यह साबित कर दिया वो किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। और इस समय हम उस परिवार में हैं जिस बच्ची ने 99.6% मार्क्स लिए हैं नॉन मेडिकल में, यानी कि सिर्फ दो नंबर्स की कमी है, 500 में से 498 नंबर लिए। और ये भी कहना चाहेंगे, तमन्ना गुप्ता, पापा इनके एक बिजनेसमैन है, साथ में इनकी मदर बैठी हैं राखी जी, ताराचंद इनके दादाजी हैं, और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद तो रहता ही है। आइए जानते मिलवाते हैं तमन्ना को कि कितनी मेहनत करनी पड़ी, या पहले से इन्होंने टारगेट सेट रखा था कि नहीं आप भाई इतने मार्क्स तो लेने हैं, 2% है, अगर मन बस चलता तो तमन्ना वो भी अपने खेमे में डाल लेती। तमन्ना बेटा, सबसे पहले आपको हमारे दैनिक शिफ्ट टाइम की पूरी टीम से हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तमन्ना सोच रखा था इतने मार्क्स आएंगे या इससे कम या इससे ज्यादा? नहीं, मैंने एक टारगेट सेट किया था कि हाँ मुझे इतने अचीव करने हैं और मैंने इतना किए। जी, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हो? हाँ जी। इंस्पिरेशन कौन था कि आपको लगता था नहीं अब मुझे पढ़ना है, पढ़ाई करनी है और ये इतने मार्क्स ऑब्टेन करने हैं? और सबसे बड़ी बात होती है कि मार्क्स तो ऑब्टेन तो स्टूडेंट करते हैं, पर उसमें उसके माता पिता की, उसके टीचर्स की, उसके स्कूल की कितनी मेहनत होती है वो भी जानना चाहेंगे आपसे। मुझे सबका सपोर्ट रहा, मम्मा पापा का भी रहा, सबका, घर की फैमिली में सबका सपोर्ट रहा, साथ में मुझे टीचर्स का भी सपोर्ट रहा, मुझे मेरे जो टीचर्स पढ़ाते हैं ट्यूशन टीचर्स उनका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। उन्होंने कभी मुझे ऐसा फील नहीं करवाने दिया कि तू नहीं कर सकती है, वो हमेशा ऐसे सपोर्ट करते थे हाँ बच्चे तू कर सकती है। और स्कूल के टीचर्स भी मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे और मोटिवेट इतना करते थे। इनफैक्ट स्कूल की प्रिंसिपल हमारी सिस्टर स्वाति, उन्होंने भी हमेशा मुझे ऐसे किया हाँ हाँ, जब उन्होंने डिबेट में मेरा नाम लिया था तब अपने अंदर ये अचीवमेंट का एक अपना वो आता है कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं, तो बस सबका सपोर्ट रहा था मुझे। एक समय था जब लगता था कि बेटियां इतना बेटियों को एम्पावर नहीं करने देते थे या आगे नहीं आती थी, पर आज वो दौर है, आज बराबरी का दर्जा मिल रहा है, बेटियां आज बराबर चल रही हैं बेटों से भी। हाँ जी हाँ जी, कोई किसी से कम नहीं है, जब अपने अंदर मान लिया ना कि हमने करना है तो हाँ करना है, कि हमें कम समझना ही नहीं चाहिए अपने आप को, हमें ना अपना एक टारगेट सेट कर लेना चाहिए कि हाँ मुझे करना है तो करके दिखाना है। हमने ना अपने आप को किसी चीज में कम नहीं समझना चाहिए, हमें हर चीज सीखनी चाहिए। आजकल लड़कियों को हर एक चीज आनी चाहिए, किसी चीज में कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो कोई ऐसे नॉर्मल इंसान होता है उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती है। हर चीज इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई के साथ इंजॉय करना भी इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोलती फोन मत चलाओ, फोन भी चलाओ, मैं भी फोन चलाती हूँ, लेकिन ये बात है कि अपना टाइम पूरा, हाँ पूरा टाइम शेड्यूल करो, अपना पूरा टाइम टेबल बनाओ। दो नंबर कहाँ पर रह गए कमी? ये मुझे दो, सिर्फ दो नंबर कहाँ पर कमी रह गई आपको? वो इंग्लिश में रह गई थी, बाकी अभी भी कमी लगती है। मैं तो मजाक कर रही हूँ यार, आप तो सीरियस ही होगी। मैं कह रही हूँ कहाँ कमी रहेगी, 99.6% फर्स्ट पोजीशन नॉन मेडिकल में लिया है, और अभी मैं बच्ची को पूछ रही हूँ कहाँ कमी, कहती अभी भी कमी रह गई है। यानी लगता है 500 से भी अबव लेने की सोच रखी थी क्या? कितना टाइम पढ़ते थे, कितना मतलब शेड्यूल बनाया था, किस टाइम पढ़ते थे या कितना पढ़ते थे ये जानना चाहो, कितना टाइम देते थे? मेरा कोई मतलब ज़्यादा पूरा शेड्यूल नहीं था, मतलब ये था कि जब मुझे पढ़ना है तो इस टाइम पे पढ़ना ही पढ़ना है। मैंने एक टाइम टेबल बनाया होता था कि जब पेपर्स आने लगते हैं उसके पहले ही 2-3-4-5 हफ्ते पहले ही ये पूरा सेट कर देना कि ऐसे करना ही करना है। सो मेरा पूरा ये नहीं रहता था कि 12 बजे से लेके यहाँ तक, जब मुझे लगता है पढ़ना ही है मेरे लिए अभी ठीक है तब पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, क्या बनना चाहते हो बड़े होकर, आगे चलकर? बड़े हो तो हो गए हो, आगे चलकर सिविल सर्विसेज की लाइन में, सिविल सर्विसेज क्यों? ये नॉन मेडिकल और सिविल सर्विसेज का क्या कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन तो कुछ नहीं है, करना वो चाहिए जो खुद को है। अब हमने सब तो बोलते हैं कि ये कर लो ये कर लो ये कर लो, पर वो चीज करनी चाहिए जो तुम्हें पता है तुम कर सकते हो। कर सकते हो बिल्कुल, क्योंकि कई बार हो जाते ना हम माता पिता से भी कहें, कई बार माता पिता की इच्छाएं होती नहीं, आप ये रख लो आप ये कर लो वो कर लो, पर बच्चे की इच्छा नहीं होती। कई बार बच्चे की वो इच्छा नहीं होती पर माता पिता की वो बच्चों की नहीं होती, तो उस चीज़ में कितना बैलेंस करना कितना ज़रूरी होता है, या माता पिता को कॉन्फिडेंस में लेना कितना ज़रूरी होता है? मम्मा पापा ने कभी मुझे बोला है नहीं कि वो कर, मम्मा पापा को पता है कि जो ये करेगी अच्छा करेगी, तो कभी उन्होंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं। घर में और भी भाई बहन भाई है? हाँ सब है, अभी दूसरे बड़े हो? हाँ नहीं, मेरे से एक और बड़ी बहन है। हाँ जी,
सारे आपकी तरह पढ़ाकू हैं, इतने मार्क्स लेते हैं? सारे पढ़ाकू हैं, सारे हैं। हाँ हम मतलब पढ़ती पूरी फैमिली ने सोच लिया है कि नंबर छोड़ने नहीं है, लेते जाना है। नहीं नहीं ये बात नहीं है, एंजॉय भी करनी है लाइफ को और पढ़ते और भी जाना। पढ़ाई के अलावा और क्या क्या करते हो, किसमें रुचि है आपकी या जिसमें आप इंटरेस्ट है आपका ज्यादा? इंटरेस्ट मेरा कुकिंग में भी इंटरेस्ट है मेरा, मैं बना तो लग ही रहे हो आप फिर से लग रहे हो कुकिंग में, और कुकिंग में कभी डांस कर लेती हूँ बस करती हूँ मैं, स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स में और बस। और मेरे को कल मुझे आईफोन मिला मेरे बड़े मम्मा और बड़े पापा से, मैं क्या तो बात है, मैं तो शॉक हो गई क्योंकि उसके पहले दिन ही हम ना रात को प्लान कर रहे थे कि आईफोन ले लेंगे 2-3 दिन में, तो हमें जब मुझे मिला मैं तो शॉक हो गई थी। तो इसका मतलब अगली बार भी ऐसे ही करना है, जब करते जाओ और और गिफ्ट बड़े बड़े मिलते जाएंगे। मैं तो यही बोलती हूँ कि हर बच्चे को यही करना चाहिए, अपने मम्मा पापा का नाम रोशन करना चाहिए। कॉम्पिटिशन भी बहुत ज्यादा है। हाँ जी, क्योंकि आजकल हर उन्हीं की वैल्यू होती है जो पढ़ते हैं, जो मतलब एजुकेटेड नहीं होते उनकी इतनी वैल्यू नहीं होती बिल्कुल, है। बिल्कुल, चलिए राखी जी और तारा जी दादा जी शर्माइए मत, आज आज तो आज मिलना मिलना आपको बहुत बहुत बधाई है। मुझे इतनी खुशी है कि इस बच्ची ने अपना नाम रोशन किया है, इसने बोला मम्मा मेरे बहुत अच्छे रिजल्ट आए, मैं फर्स्ट आ गई, मुझे जिंदा हुआ। मैं कहा ऐसा बच्चा सबको माँ को होना चाहिए, ऐसा बच्चा गर्व है इस पर, मुझे नाज है। आगे भी आप इस लड़की पे बड़ी प्राउड है, दूसरी बेटी भी मेरी बड़ी इंटेलिजेंट है, सब बच्चे हमारे घर इंटेलिजेंट है। आप लोग बस बस क्या नाम है बेटा आपका? तनीषा गुप्ता। तनीषा आप भी लगते हैं बड़े पढ़ाकू हो, दोनों ने चश्मे लगा कर रखे हैं। कौन सी क्लास में बेटा? 12th स्टैंडर्ड। तो लगते नहीं हो आप 12th में हो। अब बाजी तो सिस्टर ने मारे, लगता है अगले साल आपकी बारी है। हमारे लिए एक लेवल सेट कर गई है ये, मतलब हमारे ऊपर थोड़ा प्रेशर तो टाइप है। आप तो घर में ही कंपटीशन शुरू हो और क्या बिल्कुल ये दो नंबर जो छोड़े हैं ना, मैंने कहा कहती अभी भी कमी है, आप लगता है उससे कमी से भी आगे जाने वाले हो। चलो ये तो ऊपर वाले कभी होता है कि बहनें पढ़ रही हैं इसके इतने नंबर है मेरे, मैंने इससे भी ज्यादा लेने, कभी होता है मन में? सच बता, नहीं नहीं कभी नहीं होता है, बट ये होता है कि मतलब जब फैमिली प्रेशर आ जाता है, सारे रिलेटिव्स वगैरह, इसने दो नंबर छोड़े, तेरे दो नंबर भी नहीं छूटने चाहिए। वही वही मतलब ये चीज हो जाती है, तो मतलब पूरे 500 से 500 ऊपर मन करे फैमिली का, ये तो कहीं 500 से ऊपर भी लिया। सच में बिल्कुल, और कभी कभी ऐसा लगता है 500 में से 500 आ भी सकते हैं मेरे, कभी कभी तो ऐसे लगता है। बट आप क्या बनना चाहते हो? आईएएस ऑफिसर। दोनों आईएएस ऑफिसर एक ही घर में, दो आईएएस और क्या यार, कमाल गलत बात है ये, कुछ अलग तो चुनना था। नहीं नहीं नेशन को भी क्यों 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 सोचा है आईएएस ऑफिसर ही बनना? पेरेंट्स को भी प्राउड करने का मौका मिलना चाहिए। अब अगर बेटा नहीं है, ये लोग बोलते हैं ना कि बेटा होगा तो बड़ा ज्यादा नाम कमाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आजकल किसी की बेटियां किसी से कम नहीं है, कम नहीं, बिल्कुल। तो बिल्कुल मतलब हमें है कि हम अगर हम दो बेटियां हैं, हम दो बहनें हैं, तो हम ही ये दो बेटियां अपने पेरेंट्स का नाम प्राउड करें, हम ही बेटा बनकर बताएं उनको कि लोग ये ना कहें कि तुम्हारा कोई बेटा नहीं है। हम ही बिल्कुल मतलब अपने पेरेंट्स को प्राउड करें और वो ऐसे मुकाम पर हो जब उनको सब रिस्पेक्ट दे, इतना सब इतना वो करे। आज तो आपके नाम से जाने जा रहे हैं आपके मम्मी पापा, बिल्कुल। तब ना लास्ट में जाते जाते अभी भी कई ऐसे समाज में हैं, कई ऐसी त्रुटियां भी हैं, कमियां भी, बदल तो रहा है पर इतनी पूरी तरह से अभी बदला नहीं हमारा समाज, या सोच नहीं बदली, अभी भी सोचते हैं नहीं बेटी को यहाँ नहीं भेजना है, इधर नहीं भेजना है, अभी अगले घर शादी करके जाना है, यहीं पर पढ़ाओ जितना है काफ़ी हो जाता है।
पर आपको लग रहा है कि नहीं अभी बदलने की जरूरत, तो बदल भी रहा है समाज, सोच भी बदल रही है, क्योंकि जब सोच बदलेगी तो डेफिनेटली देश भी बदलेगा और जम्मू कश्मीर भी हमारा बदलेगा, अग्रेसर होगा, कामयाबी होगी, क्योंकि आज के दौर में बेटियां देखी जाए तो किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। तो आप क्या कहना चाहोगे उन माता पिता से, उन बच्चियों को जो आगे तो आना चाहती हैं पर कहीं ना कहीं अभी भी फैमिली का प्रेशर है या कहीं कोई सपोर्ट ना होने की वजह से उनकी जो तमन्नाएँ दबकर ही रह जाती हैं? हर मम्मा पापा को ना अपने बच्चों को ना इतना प्राउड फील, हर बच्चे को अपने मम्मा पापा को ना अपना बहुत ज़्यादा प्राउड फील कराना चाहिए। तो फिर अब उनके मम्मा पापा को भी ज़्यादा वो होता है, हाँ मेरे बच्चे ने कुछ आज किया है, उनको भी इतनी ज़्यादा खुशी होगी, हाँ उन्होंने कुछ किया है। हर बच्चे को ना ऐसे ही करना चाहिए, कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी चीज़ हासिल करनी चाहिए जिससे उनके मम्मा पापा को बहुत ज़्यादा नाम प्राउड। जब रिजल्ट आना था या पता चल गया, रिजल्ट निकल गया, क्या हुआ, कैसा लगा आपको? सच में तब तो शॉक हो गई थी मैं, मेरा तो मुंह खुला था पहली बार, क्या हो गया ना, मेरे को लगा पता नहीं क्या हो गया। मैं इसको बोल रही थी कि ये मेरा ही है ना, ये बोलती ऊपर देख, क्योंकि मेरा दो बारी खुला ही नहीं, मुझे लगा ये फेक है। तो उसके बाद मैंने जूम करके देखा, वो खुल गया, फिर मैंने, मेरा मुंह खुला था उस वक्त, फिर मैंने इसको बोला कि तू एक बार फिर से चेक कर, विश्वास ही नहीं हो रहा था मुझे तो पहली बार, फिर हो गया माता रानी की दया से। आपने आपने फिर क्या कहा जब पता चला कि वाकई नहीं मेरा ही है? हाँ मेरा ही। मम्मा को कैसे एक्सप्रेशन, मम्मा को जब बताया? मम्मा को मैंने उठाया, मम्मा सोई हुई थी, मम्मा उठो उठो, तो फिर मम्मा क्या हो गया क्या हो गया, फिर बस फिर मम्मा शॉक में थी थोड़े, फिर उसके बाद अभी भी रो रही हैं। हाँ जी खुशी है। चलो आप सबको बहुत बहुत बधाई, हमारे दैनिक शिवनम बल्कि पूरे जम्मू की जनता जो जम्मू कश्मीर की, आप जैसी बेटियों पर, आप जैसे बेटों पर गर्व करते हैं। और हम यही कहेंगे कि आज के दौर में बेटियां किसी से भी कम नहीं है, बेटियों को उड़ान भरने दीजिए, उनको भरने दीजिए उड़ान जो वो चाहती हैं। जहां हम बेटों को सक्षम करने का सोच रहे हैं, वही हमारी बेटियां आज कहां तक, आसमान तक पहुंच गई है, अंतरिक्ष तक पहुंच रही है। तो खुद सोचिए क्यों हम उनकी उड़ान को रोकें। ये हमने मिलाया आपको तमन्ना गुप्ता, उनके परिवार से आज इनकी मम्मा भावुक हो गई, वाकई मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे कि वाकई आज हम बेटियों के नाम से जाने जाते हैं। जहाँ पर एक समय था कि बेटों के नाम से जाने जाते थे, जहाँ पर बेटों के पैदा होने पे खुशियाँ मनाई जाती थी, आज वही दौर है कि आज बेटियों के जन्म लेने पर ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया जाता है। हिंदू धर्म की बात करें तो देवी का रूप माना जाता है, अगर ये कहेंगे तो मुस्लिम धर्म में माना कहें तो खुदा की रहमत की, और वाकई ये रहमत हम कहेंगे हर घर में भगवान नसीब करे। अपने कमेंट सुझाव ज़रूर दीजिए, क्योंकि कांग्रेचुलेशंस कहना तो बनता ही, विश यू ऑल द बेस्ट तो कहना बनता ही है, क्योंकि हमारे जम्मू की बेटी है। अपने कमेंट सुझाव ज़रूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।